People has always commented me about my background, so I decided to give my background another look. If you want to know how I did it, because there are lots of things to think about it, so if you're interested, then let's start the video. Okay, I got this in a bunch of these stickers जो एक पेज पे मुझे रिसीव हुए थे। चले मैं आपको इसका क्लोजर लुक दिखाती हूँ। अच्छा जी, रिसीव होने पे इस तरह की प्रोडक्ट आपको मिलेगी और ये एग्जीक्यूटिव मैंने दराज से ही बाय की है। सो इसको खोलने पर ये चार्ट पेपर है और इसके ये कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड में इसको रोल किया हुआ है और इस तरह के स्टिकर्स हैं ये, और आपको इस फॉर्म में मिलते हैं। तो आपको ये देखें, ये सारा मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, एक ही स्टिकर है, ठीक है ना। और इस स्टिकर के ऊपर लगाने के लिए एक आपको ट्रांसपेरेंट स्टिकर भी मिलता है, ताकि आपकी जो स्टिकर्स हैं उन पे डस्ट वगैरह ना पड़े, और अगर आप उसको वाइप भी कर रहे हैं तो वो जल्दी उखड़े ना, उतरे ना। सो ये दो तरह के आपको स्टिकर्स मिलेंगे। अब आपको जो पिक्चर है उसको सामने रखना पड़ेगा, और उसको सामने रख कर ही आप अपनी पिक्चर जो है वो पेस्ट करेंगे। सो मेरी पिक्चर कुछ यूं है, तो मैं अब आपको लगा कर दिखाती हूँ कि ये कैसी लगेगी। स्टे ट्यून्ड जी। अप्लाई करने से पहले आपने जो सरफेस है अपनी, जहाँ पर आपने लगाना है, उसको अच्छी तरह वाइप आउट ज़रूर करना है, कोई डस्ट वगैरह उसके ऊपर ना लगी हो, इसलिए उसको साफ़ कर लें। और अगर आप मेरी तरह अकेले ही ये काम कर रहे हैं और आपके साथ कोई हेल्प करने या पकड़ने वाला नहीं है, तो कोशिश करें कि आप सारा स्टिकर एक साथ मत उतारें, क्योंकि ये काफ़ी लंबा स्टिकर था। यू हैव टू पील इट वाइल यू अप्लाई ऑन द सर्फेस, जहाँ पे भी आप लगाना चाह रहे हैं कोशिश करें कि फ्लैट सर्फेस ही हो। अब मैं यहाँ पर अपनी वार्डरोब पे लगा रही हूँ, इसलिए बीच में स्लिट्स आएंगे, जिसको मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। बहरहाल आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पील ऑफ करते जाना है, और इसको सीधा रखते हुए आपने इसको पेस्ट करते जाना है। अब मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि ये कुछ एक्चुअल पिक्चर थी जो मुझे पेस्ट करनी थी, लेकिन मुझे इसको लंबे रुख में ही लेके जाना था, हॉरिजॉन्टली ही लेके जाना था, मैंने इसको वाइड नहीं करना था। तो मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो चेंज किया था, और एंड रिज़ल्ट तो आप थोड़ा सा देख ही चुके हैं, बट आई एम गोना शेयर विद यू कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि आप ये कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो मैंने दराज से बाय किया था, और सेलर वाज वेरी गुड। व्हेन आई फर्स्ट बॉट इट, आई थॉट आई बॉट द रॉन्ग कलर, क्योंकि इसके अंदर आपको एक ब्राउन कलर या ब्लैक कलर भी मिलता है, तो मैंने वाइट कलर चूज़ किया था, विच वॉज़ आई थॉट विल नॉट लुक गुड, बट इट टर्न आउट रियली गुड, आई रियली लाइक दैट। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर इसको आहिस्ता आहिस्ता लगा रही हूँ, और मैंने कसम से बाजू दर्द कर रहे थे, इतनी देर इसको मुझे लगी लगाने में। एक्चुअल में आई थिंक इट टुक मी लाइक 35 to 40 minutes टू अप्लाई इट। अच्छा मैं यहाँ पर जहाँ पे वार्डरोब के कबर्ड का स्लिट आ रहा है, मैं वहाँ से जो स्टिकर्स हैं उनको हाफ कर लूँगी, और बिल्कुल उसके सामने जहाँ पे मयमंडिस की बनती होगी वहीं पे लगाकर इसको आगे कंटिन्यू करती लेके जा रही हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा, वुड यू लाइक टू अप्लाई एनी ऑफ दीज स्टिकर्स इन योर वार्डरोब्स। काफ़ी बोरिंग सी आपकी जो वार्डरोब है उसको एक बड़ा एक फन और इंटरेस्टिंग लुक दे रही थी, तो आई रियली पर्सनली लाइक इट अ लॉट। अच्छा इसको ख़रीदे हुए मुझे काफ़ी अर्सा हो गया था, और कलर से ही नहीं मैंने बाय किया था, या सेलर ने से ही नहीं सेंड किया था, तो मैं आई वॉज हेजिटेटेड टू अप्लाई ऑन इट, तो मैंने नहीं अप्लाई किया। बट फाइनली नाउ आई डिसाइडेड टू इट कि जैसा भी कलर आ गया है अप्लाई तो करना ही है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं या मैं बिल्कुल थक चुकी थी, बहुत थक गई थी, और अच्छा लगता है आपको डेकोरेट करते हुए घर। और यू नो माय बैकग्राउंड्स हैव ऑलवेज बीन इन माय कमेंट सेक्शन, अक्सर लोगों ने मेरे बैकग्राउंड पे बहुत कमेंट्स किए हैं, क्योंकि इससे पुरानी मेरी जो वीडियोस थी उस पर बैकग्राउंड पे मैं एक चादर या कपड़ा वगैरह लगाती थी, तो वो लोग मुझे अक्सर कमेंट करते थे कि चेंज योर बैकग्राउंड, बट नाउ फाइनली I changed my background, and somehow these comments have been stopped,
एंड दैट्स आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली लाइक दैट। एंड अच्छा, क्योंकि आपने यूट्यूब पे जब वीडियोस अप्लाई करनी होती है ना, यू हैव टू हैव सम यू नो ओवर फेस पिक्चर्स आपको अप्लाई करनी होती है, उसके लिए यू हैव टू हैव अ बैकग्राउंड विद फ्लैट और यू नो नॉट सो थिंग्स बिहाइंड इट, ताकि पीछे चीज़ों पर आपका ध्यान ना रहे और आप आगे जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात जो है वो आप डिलीवर कर सकें। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं वो लग चुकी थी एंड आई वॉज प्रीटी हैप्पी विद दैट। और अब मैं यहाँ पर लीव्स अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद इसमें रह जाते हैं जी ए, वो जो बर्ड केज है दैट वाज रियली डिफ़िकल्ट, काफ़ी मुश्किल था वो बर्ड केज अप्लाई करना, क्योंकि उसके जो स्टिकर्स थे वो बहुत बारीक थे, इतने बारीक थे कि इट वाज रियली हार्ड टू पुल इट, कि उसको खींचना काफ़ी मुश्किल लग रहा था, और फाइनली इट केम आउट रियली नाइस। दराज पे आपको इस तरह के हज़ारों डिज़ाइंस जो है वो मिल जाते हैं और दे ऑल लुक रियली फैसिनेटिंग, खासकर मैट फिनिश हो आपके वॉल्स पे तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। कुछ तो राइटिंग्स में भी मिल जाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े भी मिल जाते हैं, कुछ छोटे छोटे भी मिल जाते हैं, सो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आप किस तरह का लगाना चाहते हैं। एक तो ये बहुत इकोनॉमिकल है, दूसरा अगर आपका इनसे दिल भर जाए तो ये इट्स रियली इजी टू पील इट ऑफ, बहुत आसानी से इनको उतार लें और दूसरा कोई नया डिज़ाइन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा एंड वुड यू लाइक टू अप्लाई ऑन योर वॉल्स, टू शेयर विद मी। चल जी, अब लीव्स काफ़ी सारे थे तो जो वो अप्लाई करने थे, अब वन मोर थिंग के अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है या मेरे से कोई मिस्टेक हो गई थी तो द स्टिकर्स वर इजी टू टेक इट ऑफ एंड अप्लाई इट अगेन, तो उतारने भी ज़्यादा आसान थे और रीअप्लाई भी आसानी से ही हो रहे थे। अब आपको यहाँ एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो बर्ड्स बड़े साइज़ के होंगे वो आप अपने करीब जो है वहाँ लगाएंगे, और जो छोटे साइज़ के बर्ड्स होंगे वो आप फर्दर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि फील होगा, इल्यूजन होगा दैट दे आर फ्लाइंग अवे, और जो बड़े बर्ड्स हैं वो आपके केज के पास पास ही लगाने हैं। इससे पहले जो मैंने अपनी अलमारी पे कोस्टर्स लगाए थे वो स्टिकर्स काफ़ी इन फैशन थे, तो आई थॉट दे विल लुक गुड, और वो अच्छे भी लग रहे थे, पर उनकी पीछे से जो क्वालिटी है ना वो अच्छी नहीं थी एंड दे वर फॉलिंग ऑफ बाय देमसेल्व्स, खुद ही उतरी जा रहे थे, सो आई जस्ट टुक देम ऑफ एंड आई बॉट अ न्यू थिंग एंड दिस टाइम आई थॉट लेट्स शेयर विद यू हाउ टू अप्लाई देम एंड व्हाट आर द प्रॉन्स एंड कॉन्स। बाय द वे, अगर आपको होम डिकोर पे अच्छी डेकोरेशन के आइडियाज़ लेने हो तो असमा स्टोरीज़ के नाम से एक पेज है, आई विल पिन हर कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट हर चैनल, शी शेयर्ड अ वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल वेज टू डेकोरेट लिविंग रूम एंड वॉट आर द थिंग्स यू नीड, और सिंपल चीज़ों के साथ आप किस तरह प्यारी डेकोरेशन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है और आपको मेरी एफर्ट कैसी लगी। सो या, दिस इज़ माई होल वीडियो, होप यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द लव्ड वंस अराउंड यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अल्लाह हाफिज़।